मध्य प्रदेश के इंदौर सहित मालवा क्षेत्र में आगामी समय में ठंड और बढ़ने की संभावना है, तो वहीं 14 दिसंबर तक इंदौर में हल्की बूंदाबांदी होने की भी संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों द्वारा इस बात की जानकारी दी गई। इंदौर सहित मालवा क्षेत्र में तापमान का पारा लगातार गिर रहा है, जिसके चलते मौसम में ठंडक बढ़ रही है। कृषि महाविद्यालय स्थित मौसम विशेषज्ञ रंजीत बानखेड़े ने आज बताया कि बाया बंगाल से लेकर अंडमान निकोबार तक एक चक्रवाती परिसंचरण हवा चल रही है, जिसकी वजह से इंदौर सहित मालवा क्षेत्र में हल्के बादल गहरा रहे हैं। वहीं उत्तर पूर्वी हवा चलने से मौसम में ठंडक घुल रही है। उन्होंने बताया कि इंदौर और मालवा क्षेत्र में वर्तमान में अधिकतम तापमान 24 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार आगामी 13 से 14 दिसंबर तक हल्के बादल छाए रहेंगे, वहीं 14 दिसंबर के आसपास हल्की बूंदाबांदी होने की भी संभावना जताई गई है। अभी उपग्रह चित्र से आपने देखा होगा कि हमारे जो बाया बंगाल से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप तक एक चक्रवाती परिसंचरण हुआ है, जिसकी वजह से क्लाउडी कंडीशन अच्छी है और जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के ऊपर भी, तो इसका जो इफेक्ट है वो हमारे मध्य प्रदेश में भी रहने वाला है। परंतु अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्टर्ली हवाएं चलने की वजह से हमें ठंडक प्राप्त हो रही, तो इसी देखते हैं कि अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ है और जो न्यूनतम तापमान है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ। अभी हम 13 तारीख तक की बात करते हैं, तो 13 तारीख तक अभी हमारे यहाँ जो क्लाउडी कंडीशन है हल्की हल्की रहने की संभावना है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि बाया बंगाल से लेकर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास चक्रवाती परिसंचरण की वजह से हमें 13 तारीख 14 तारीख के आसपास क्लाउडी कंडीशन देखने को मिलेगी और क्लाउडी कंडीशन हो सकता है हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिलेगी। परंतु इन दो तीन दिनों में हमारे जो तापमान है अधिकतम और न्यूनतम वो नॉर्थ ईस्टर्ली हवाएं चलने की वजह से बना रहने की संभावना अभी बनी हुई है। सर्दी का मौसम और बढ़ेगा अभी? सर्दी का मौसम बढ़ सकता है, पर अभी जो फॉरकास्ट है उसके अनुसार हमारा जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है 12 तारीख तक नॉर्थ ईस्टर्ली हवाएं चलने की वजह से रहने की संभावना 24 और 10 डिग्री के आसपास। सर, पिछले दिनों के तुलना में देखा जाए तो क्या इस बार ठंड ज़्यादा है क्या सर? पिछले दिनों की देखी जाए तो अभी तो ठंड कम पड़ी है इस बार, कि अभी पहले काफ़ी ठंड पड़ गई थी दिसंबर, आज 8 तारीख हो गई, 9 तारीख हो गई, तो आने वाले समय में हो सकता है अच्छी ठंड पड़ने की संभावना बनी हुई है। रंजीत वानखेड़े, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि महाविद्यालय इंदौर।